हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है, आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि व्हाट इज़ द हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क। जो हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और क्या क्या वर्क रहता है। ओके, तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल डेस्क रहता है वो नर्व सेंटर ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट रहता है, जहाँ पे गेस्ट की कंप्लेंट से लेके गेस्ट की जो कॉल रहता है वो वहाँ से मेंटेन होता है, और इसका कोऑर्डिनेशन विद फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के साथ होता है। ये मेन एक नव पॉइंट होता है हाउसकीपिंग का, जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, या हो सकता है गेस्ट के द्वारा हो या फ्रंट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स के द्वारा हो। तो हाउसकीपिंग का कम्युनिकेशन सेंटर जो बोलते हैं वो उसको हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क को बोलते हैं। ओके, तो हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क जो होता है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इट इज़ नाउ सेंटर ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का नाउ सेंटर होता है। ओके, हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबल फॉर गेस्ट कॉल्स एंड कंप्लेंट्स। जो गेस्ट के कंप्लेंट्स रहते हैं और जो गेस्ट के कॉल्स रहते हैं, कुछ भी गेस्ट को रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए जो गेस्ट कॉल करता है, तो हाउसकीपिंग डेस्क में कॉल आता है। ओके, उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन विद फ्रंट ऑफिस फॉर रूम स्टेटस। रूम के स्टेटस के लिए जो फ्रंट ऑफिस के साथ में इसका कोऑर्डिनेशन होना होता है। ओके, जैसे रूम्स चेकआउट है, चेक इन है, ब्लॉक में है, ओके, पीआईपी अराइवल, वो सब चीज़ के लिए कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के साथ में। कोऑर्डिनेशन विथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, आप जो इसका कोऑर्डिनेशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के साथ भी होता है, क्योंकि मेंटेनेंस के साथ में हाउसकीपिंग का बहुत क्लोज होता है, क्योंकि मेंटेनेंस में अगर कोई ब्लॉक रूम हो, कोई इशू हो, कुछ भी कंप्लेंट्स हो गैस की, तो मेंटेनेंस के रिलेटेड, तो इसको मेंटेनेंस के साथ भी कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है कंट्रोल डेस्क में। इसके बाद आता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स के आपका रजिस्टर बनाए जाते हैं, जो कंट्रोल डेस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है रजिस्टर को मेंटेन करना डे बाई डे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी हो। मैं कुछ 9 टाइप्स के आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रजिस्टर होते हैं जो कंट्रोल डेस्क में मेंटेन किए जाते हैं पर डे। ओके, फर्स्ट आपका आता है डिपार्चर रजिस्टर। डिपार्चर जो रजिस्टर होता है उसको डेली जो चेकआउट होते हैं वो रूम की एंट्री करनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं डिपार्चर रजिस्टर, जिसमें डिपार्चर की डिटेल्स रखी जाती है। ओके, इसको डे बाई डे आपको मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड अराइवल रजिस्टर। वो गेस्ट जो चेक इन नहीं हुए हैं बट एक्सपेक्टेड है कि अराइवल होंगे, तो उनका जो भी एक्सपेक्टेड अराइवल गेस्ट आने वाले होंगे तो उनका एक रजिस्टर रखा जाता है, उसको भी डे बाय डे मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आपका आता है रूम स्टेटस रिपोर्ट रजिस्टर। रूम स्टेटस का एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें रूम स्टेटस के बारे में मेंटेन किया जाता है कि कौन से रूम, जैसे एग्जांपल ले लो 512 का स्टेटस क्या है, ऑक्यूपाइड है, चेकआउट है, ब्लॉक में है। ओके, तो उसका जो है रूम स्टेटस रिपोर्ट बनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका गेस्ट कॉल रजिस्टर। जो गेस्ट पर डे जो गेस्ट कॉल करता है अपने रूम से, कुछ कंप्लेंट हो, कुछ रिक्वायरमेंट हुआ उसके रूम से, तो उसके लिए जो गेस्ट कॉल करता है तो उसको उसका रजिस्टर में उसको डे बाई डे हमको मेंटेन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं गेस्ट कॉल रजिस्टर। उसके बाद आपका आता है मिनी बार एंड लॉन्ड्री पोस्टिंग रजिस्टर। जैसे कोई गेस्ट मिनी बार कंज्यूम करता है और लॉन्ड्री वॉशिंग के लिए लॉन्ड्री दिया गेस्ट ने, तो उसका जो उसको जो मेंटेन उनका बिल का जो मैनेज करना पड़ता है वो मेंटेन करना पड़ता है मिनी बार एंड लॉन्ड्री पोस्टिंग रजिस्टर में। उसके बाद आपका आता है कंट्रोल डेस्क चेकलिस्ट। जो कंट्रोल डेस्क होता है उसका चेकलिस्ट होता है, उस चेकलिस्ट को डेली डे आपको फिल अप करना पड़ता है। ओके, तो वो रजिस्टर को बोलते हैं कंट्रोल डेस्क चेकलिस्ट रजिस्टर। ओके, उसके बाद आपका आता है मिसिंग एंड मिसिंग आइटम्स रजिस्टर। एग्जाम्पल कोई गेस्ट रूम पे आया तो कुछ भी मिसिंग हो सकता है गेस्ट कुछ लेके चले गए, कुछ गेस्ट लेके अपने साथ चले गया है, तो वो जो मिसिंग आइटम्स रहते हैं रूम्स की में से जो मिसिंग होता है आइटम्स उसका मैनेज किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है मिसिंग आइटम्स रजिस्टर में। ओके, जब भी कुछ चीज़ें मिसिंग होती है उसके डिपार्टमेंट से, तो उसको हम मिसिंग एंड आइटम्स रजिस्टर में मेन से मैनेज करते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है ब्रेकेज रजिस्टर। ब्रेकेज रजिस्टर में होता है आपका, जैसे कोई गेस्ट स्टे करता है रूम पे तो गेस्ट से कुछ गिलास टूट गया। ओके, गिलास अगर टूट गेस्ट से टूट गया तो वो हमारा इन्वेंट्री के हिसाब से उसको रखा जाता है, क्योंकि इन्वेंट्री में हमारा एक आइटम कम हो जाएगा, तो उसको ब्रेकेज रजिस्टर में मैनेजमेंट किया जाता है।
रूम नंबर के साथ में कि उस रूम से एक गिलास या कोई भी आइटम हो जो ब्रेकेज हुआ है वो ब्रेकेज को उसमें एंट्री की जाती है। और लास्ट में आता है आपका लॉस एंड फाउंड रजिस्टर। ओके, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लॉस एंड फाउंड का प्रोसेस क्या होता है, वहीं लॉस एंड फाउंड का अगर गैस कुछ भी गैस का सामान छूट गया या कुछ तुमको मिल गया गैस के रूम से और या गैस कुछ लेके गया तो लॉस एंड फाउंड का रजिस्टर में उसको मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ओके, जैसे गैस कुछ लेके गया है, गैस कुछ छोड़ के गया है तो उसको हम अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएबल नॉन वैल्यूएबल वैल्यूएबल के हिसाब से हम जो रजिस्टर होता है उसमें एंट्री करके इसको रखा जाता है। ओके, ये था मेरा हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क का आज का वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।